पठानिया ने सभी पंचायतों की स्थानीय जनता से अपील की है कि पंचायतों में अपना प्रतिनिधि ईमानदार गांव की उन्नति प्रगति और समाज सेवा भाव रखने वाले का चुनाव करें। इस रोस्टर में 50% महिलाओं को ध्यान में रखते हुए रोस्टर जारी किया है। महिलाओं को आगे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही आगे आकर फैसले लिए थे, जो आज महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। लेकिन पठानिया ने रोस्टर पर बड़ा आरोप लगाया कि ये रोस्टर जिलाधीश महोदय ने सरकार के दबाव में आकर रोस्टर जारी किया है। कई पंचायतों में किसी समुदाय के ज्यादा जनसंख्या होने पर भी वहां पर उस समुदाय को दरकिनार करके किसी अन्य समुदाय पर सीट रिजर्व कर दी गई है। पठानिया ने कहा कि पंचायती चुनावों को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, लेकिन अभी भी जिला चंबा का रोस्टर जारी नहीं किया गया है। ये रोस्टर जनता का रोस्टर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का रोस्टर बन गया है। रोस्टर आया है, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव, प्रधान, वार्ड पंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य सब लोगों को मैं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग गांव की उन्नति और प्रगति के लिए काम कर सकें, मुझे पूर्ण भरोसा है उन लोगों को, ईमानदार लोगों को वो चुन के लाएंगे। और लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, जो वर्तमान जिला प्रशासन ने ये जो रोस्टर जारी किया है, इसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है। ये संवैधानिक अधिकार है और ये जब हिंदुस्तान में सोनिया गांधी यूपी की चेयरपर्सन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये निर्णय विधानसभा के अंदर लिए गए और वो 50% रिजर्वेशन मिला, अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन मिला, अनुसूचित जन जाति को रिजर्वेशन मिला, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिला। हम सारे इस रिजर्वेशन की और ये जो प्रणाली है उसका हम स्वागत करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने कल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से रोस्टर जारी हुआ और जो गाँव के अंदर आज माहौल है, जो लोगों के सवेरे से लेकर, मैं कहूँगा जिस तरीके से मेरे सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे स्थानीय हैं, चाहे खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत से टेलीफोन, मैं कहा थाउजेंड, हजारों टेलीफोन आए हैं, उसमें लोगों का संशय ये है, जिलाधीश महोदय को ये क्लैरिफाई करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये सेंसस पे रोस्टर जो है वो लागू किया गया है। बहुत सी पंचायतें लोगों का असमंजस में हैं, चाहे वो अदरवाइज बैकवर्ड क्लास हुई है, चाहे एससी हुई है, चाहे महिला हुई है, बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ की लोगों के दिमाग में संवैधानिक ये है कि मेजॉरिटी, और संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली का ये एक निर्णय है कि जहाँ मेजॉरिटी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस के विधायक ज़्यादा आएंगे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी के एमपी ज़्यादा आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पैदा होता है कि जिस जाति संबंध के लोग उस पंचायत में ज़्यादा थे, तो वो उनके दिमाग में ये लोकतांत्रिक प्रणाली में हिंदुस्तान में एक लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद प्रधान या ब्लॉक समिति हमारी रिजर्वेशन में आएगी। तो बहुत सी ऐसे प्रश्न पैदा किए गए हैं जिस पे वर्तमान जो चुनाव, जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी है, जरूर क्लैरिफिकेशन देने चाहिए। और इस रोस्टर को हम राजनीतिक रोस्टर कहेंगे, जो विधायकों ने, मंत्रियों ने, और ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है, जो विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा है वो रोस्टर जारी हुआ है। रोस्टर जारी हुआ है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम रोस्टर पे हमारी प्रतिक्रिया है कि रोस्टर जो है, और ये आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकारें भी नहीं, रोस्टर एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले जारी होता था, लोग तैयारियां करते थे। ये कल इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद अभी भी जिला चंबा का रोस्टर जारी नहीं हुआ है, जिला कांगड़ा का रोस्टर जारी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे का इंतजार कर रहे थे अधिकारी, तब जो है ये रोस्टर जारी हुआ है। और इस रोस्टर को भारतीय जनता पार्टी का रोस्टर कहेंगे, इस रोस्टर को हम सरकार का रोस्टर कहेंगे। जनता के बीच में जो वर्तमान जिला निर्वाचन अधिकारी है, जरूर क्लैरिफाई करें और इसको, इसकी परिचर्चा आज गांव-गांव के अंदर है, तो मैं कहता हूं गांव के अंदर विश्वास अगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने करना, तो इस रोस्टर के बारे में जरूर क्लैरिफिकेशन दें। और ये रोस्टर जो है राजनीतिक तरीके का रोस्टर है।